अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उबैद रमज़ानी। आप लोगों के मुझे काफ़ी मैसेजेस आए थे कि सर इस बिज़नेस प्लान का हमें आइडिया समझा दे कि इसमें किस तरह वर्किंग होता है और इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे तो हमारी कितनी अर्निंग हो जाएगा। तो दो दिन से मैं इस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा हूँ और मुझे इतना एक्सपीरियंस हो चुका है और मैं इस प्लेटफॉर्म को अभी पूरे डिटेल से समझ चुका हूँ, तो सोचा कि आप लोगों तक भी एक वीडियो के ज़रिए इस प्लेटफॉर्म की डिटेल शेयर किया जाए। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को जस्ट मिलीनियर स्लॉट्स के बारे में बताऊंगा कि आप लोग इसमें कितने इन्वेस्ट करोगे तब आप लोगों को कितनी अर्निंग हो जाएगी और डेली बेस पे आप लोगों को कितनी अर्निंग हो जाएगी और अगर आप टीम बनाओगे तो कितनी अर्निंग हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसी वीडियो में मिल जाएंगे। यहाँ पर स्लॉट्स की अगर बारे में बात कर ले तो स्लॉट्स क्या चीज़ होते हैं, जिस तरह दूसरे प्लेटफॉर्म को अगर हम देख ले तो वहाँ पर पैकेज होते हैं, पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3, लेकिन इस प्लेटफॉर्म में इन्होंने पैकेज की जगह स्लॉट्स रखे हुए हैं। इस प्लेटफॉर्म में तकरीबन अगर हम स्लॉट्स की बात कर लें या आप ये कह सकते हो कि अगर हम पैकेजेस की बात कर ले तो यहाँ पे टोटल 8 पैकेजेस हैं और मिनिमम पैकेज मिनिमम स्लॉट यहाँ पे $4 का है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अगर आप $4 इसमें इन्वेस्ट करते हो, मिनिमम पैकेज अगर आप बाय कर लेते हो तो यहाँ से आप लोगों की टोटल इनकम जो है वो $160 आपको मिल जाता है। और यहाँ से जब आप $4 के साथ आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो तो यहाँ पे $2 जो है वो ग्लोबल इनकम में चला जाता है और $2 जो है वो स्पॉन्सर इनकम में चला जाता है। अब ये स्पॉन्सर इनकम का क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर आपका अपलाइनर है तो $2 जो है उनको उसको मिल जाएगा और बाकी बचे जो $2 हैं वो ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, आपके अपलाइनर्स के जो ऊपर अपलाइनर्स बैठे हुए हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये था हमारे पास मिनिमम स्लॉट के $4 से आप लोग यहाँ से $160 अर्न कर सकते हो। फिर उसके बाद स्लॉट 2 हमारे पास है, यहाँ पे ज्वाइनिंग जो है उसकी वो $10 है। $10 ज्वाइन करने के बाद इन्वेस्टमेंट के साथ आप लोगों की अर्निंग यहाँ पे $310 हो जाता है और इसमें अगर हम देख ले तो ग्लोबल इनकम जो है वो $5 है और स्पॉन्सर इनकम $5 है। मतलब ये है कि आपकी $10 में से $5 जो है वो अपलाइन को चला जाएगा और बाकी जो $5 है वो ग्लोबल इनकम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पे 8 स्लॉट हमारे पास मौजूद है और मैक्सिमम स्लॉट अगर आप यहां पे देख लो तो $1,000 इन्वेस्टमेंट के साथ आप लोग यहां पे $10,000 अर्न कर सकते हो और इसमें $5,000 जो है वो ग्लोबल इनकम में चला जाता है और $5,000 स्पॉन्सर इनकम में चला जाता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप यहां पे किस तरह $4 इन्वेस्ट करके $160 अर्न कर सकते हो या $10 इन्वेस्ट करके $310 यहां से अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पे स्लॉट 1 इनकम के बारे में अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे आप लोग देख लें यहाँ पे हमारे पास स्लॉट 1 में क्या कहता है। यहाँ पे स्लॉट 1 लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है ग्लोबल टीम 25 मेंबर्स लिखा हुआ है, अब स्पॉन्सर टीम यहाँ पे 1 मेंबर लिखा हुआ है। अब इसका क्या मतलब है, ये ग्लोबल टीम का मतलब ये है कि ये 25 मेंबर्स जो है ये सिस्टम आपको अपनी तरफ से दे देता है, आप लोगों को ये 25 मेंबर्स खुद अपने टीम में ऐड करने नहीं होते हैं और सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली 25 मेंबर्स आपके टीम में ऐड कर देता है। वो कब ऐड कर देता है, जब आप एक मेंबर अपने टीम में ऐड कर देते हो तो सिस्टम आपके टीम में 25 मेंबर ऐड कर देता है। ये ग्लोबल टीम होता है जो सिस्टम आपको देता है और ये स्पॉन्सर टीम होता है जो आप खुद बनाते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख ले आप लोगों की डेली इनकम $1 हो जाता है और आप लोग 20 दिन तक लगातार $20 अर्न कर सकते हो और आप लोगों की टोटल अर्निंग $20 हो जाएगा 20 दिन में। अब यहाँ पे आप लोग देख लें हर एक स्लॉट की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे स्लेब 1, स्लेब 2 और स्लेब 3 यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहे होंगे। हर स्लेब के बीच में 20 डेज का डिफरेंसेस है, मतलब ये है कि आपने स्लेब 1 में सिर्फ एक मेंबर ऐड की है, फिर उसके बाद आपको 20 दिन तक $20 मिलते रहेंगे। आप अगर अपने साथ फिर मजीद मेम्बर ऐड करो या ना करो, ठीक है, यहाँ पर ये जब 20 दिन का ड्यूरेशन कम्प्लीट हो जाएगा फिर जाके आप लोगों का स्लेब 2 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। चाहे आप ले कोई मेंबर इस तरह है वो कहते हैं कि सर अगर हम दिन में ही एक मेंबर दिन में ही 3-4 मेंबर बना देते हैं तो क्या हमें डेली बेस पे $2 या $5 अर्निंग होगा, तो मैं उनका ये जवाब दूंगा नहीं, आप लोगों को डेली बेस पे $2 या $5 अर्निंग नहीं होगा, क्योंकि आपका जो ड्यूरेशन है पहले स्लॉट का, चाहे आप इसमें 5 मेंबर भी ऐड करें या 10 मेंबर भी एक दिन में ऐड करें, क्योंकि ये स्लॉट जो है एक सीरीज़ के साथ जाता है, आपको जो है सिर्फ 20 दिन तक आप लोगों को ग्लोबली नॉन वर्किंग इनकम $1 मिलता रहेगा। जब ये 20 दिन कम्प्लीट हो जाएंगे फिर आप लोगों के स्लेब 2 ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा, फिर उसके बाद अगले 20 दिन तक आप लोगों की $2 अर्निंग हो जाएगा डेली और आप लोग $40 अर्न करोगे। फिर
जब ये स्लेब टू कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद आप लोगों की स्लेब थ्री स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको डेली $5 मिलेंगे और आप लोगों को वहां से $100 अर्न हो जाएगा। अगर हम पूरे इस स्लेब की अगर हम बात कर लें तो आप इसमें टोटल जो है $4 इन्वेस्ट के साथ यहाँ पर आप लोगों को $160 मिल जाते हैं। यहाँ पर ये स्लेब का ये मतलब होता है कि इसमें डिफरेंसेस जो है हर एक स्लेब का 20 डेज का है। अब स्लेब टू की बात कर लेते हैं, स्लेब टू में कब आओगे, जब आपके ये 20 दिन कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ से फिर आप स्लेब टू में आ जाओगे। आप एक दिन में ही स्लेब टू में आ सकते हो, आपके आप अपने मेंबर यहाँ पे पहले दिन में कवर कर सकते हो, लेकिन स्लेब टू की अर्निंग जो है वो 20 दिन बाद आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख ले, स्लेब टू में आपको सिर्फ 2 मेंबर अपनी टीम में ऐड करने होते हैं, फिर उसके बाद सिस्टम आपको 50 मेंबर दे देता है, जिसके बाद आप लोगों की $20 यहाँ से अर्निंग हो जाता है। फिर अगर हम स्लेब थ्री की बात कर ले तो यहाँ पर आप लोग देख ले, अगर आप अपने साथ 3 मेंबर ऐड कर देते हो तो सिस्टम आपको 150 मेंबर दे देता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे $5 की अर्निंग डेली बेस पे हो जाता है और $100 जो है वो आपकी टोटल अर्निंग हो जाता है। अगर इसकी इस स्लॉट वन की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे जो है ना 60 दिन के अंदर आप क्या करते हो $160 आपको आपकी अर्निंग हो जाता है। तो ये स्लॉट वन था, अगर आप ये स्लॉट समझ चुके हो तो बाकी आगे जितने भी स्लॉट्स हैं वो आप इजीली समझ सकोगे। यहाँ पे जो है आप लोगों को एक बात ये अपने जहन में रखना चाहिए कि हर 20 दिन के बाद आपके स्लॉट के स्लेब हैं वो चेंज होते रहेंगे, ठीक है ना। पहले स्लेब वन में हो गए, फिर 20 दिन बाद आप स्लेब टू में जाओगे, फिर जो है अगले 20 दिन बाद आप स्लेब थ्री में जाओगे। और यहाँ पे आप जो भी मेंबर्स अपने टीम में ऐड करोगे, चाहे एक दिन में 4 मेंबर ऐड करते हो या 6 मेंबर ऐड करते हो, आपको अर्निंग आएगा सिर्फ स्लेब वन की अर्निंग आ जाएगा। स्लेब टू की अर्निंग कब आएगा, आप लोग जब आप जो है ना आपके 20 डेज कंप्लीट हो जाएंगे फिर स्लेब टू की अर्निंग आपको आ जाएगा। बाकी भी स्लॉट्स की इनकम इसी तरह है। अभी मैं आप लोगों को अपना अकाउंट्स ओपन करके बताऊंगा और मजीद भी ट्रिक्स हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म में किस तरह वर्क करके यहाँ से आप अपनी अर्निंग ज़्यादा कर सकते हो। मैं अभी आप लोगों को अपने आपके सामने यहाँ पे अकाउंट अपना ओपन कर देता हूँ और आप लोगों के साथ थोड़ा ट्रिक्स और आइडिया शेयर कर देता हूँ। आप लोग यहां पे देख सकते हो मैंने अपना अकाउंट ओपन किया है और यहां पे मिलीनियर की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी आ रहा है कि बूस्टिंग कमिंग सून, मतलब ये सिस्टम जो प्लेटफॉर्म है ये अपने प्लेटफॉर्म के अंदर एक बूस्टिंग सिस्टम अनाउंस करने जा रहा है जो कि 10 अगस्त को इंशाल्लाह रिलीज़ हो जाएगा। और अभी आप लोगों को मैं जस्ट यहाँ पर इंटरफेस दिखा देता हूँ और मज़ीद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा इस प्लेटफॉर्म के बारे में कि यहाँ पर अर्निंग किस तरह हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर अगर पैकेजेस की मैं बात कर लूँ तो सबसे पहले मैंने एक्टिवेट किया था 4 BUSD वाला पैकेज मैंने एक्टिवेट किया और जिसकी वजह से फिर मैंने अपने टीम में 1 मेंबर ऐड की। 1 मेंबर ऐड करने के बाद सिस्टम मुझे ग्लोबली जो इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ $1 देता था। मैं 2 दिन तक मुसलसल 4 BUSD पे वर्क की, स्लॉट वन पे वर्क की, मेरे टीम में सिर्फ 1 मेंबर था और सिस्टम की वजह से मुझे डेली $1 मिल रहा था। फिर उसके बाद कल ही मैंने क्या किया, अपने सिस्टम को अपग्रेड किया। अपग्रेड करने के बाद यहाँ पर मैंने 10 BUSD वाला पैकेज बाई किया। बाई करने के बाद और आज सुबह सुबह मुझे इनकम मिल चुका है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आज मेरा 3रा दिन है इस प्लेटफॉर्म पे और यहाँ पे मुझे 5 BUSD की आज अर्निंग हो चुका है। मतलब 2 USD में पहले अर्न कर चुका था उससे स्लॉट वन से और यहाँ पे स्लॉट टू से मुझे आज 3 BUSD मिल चुके हैं। वो 3 BUSD किस तरह मिल चुके हैं मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। स्लॉट वन जब आप एक्टिवेट करोगे, आपके टीम में 1 मेंबर होगा तो ये सिस्टम आपको डेली क्या हो जाएगा, 1 मेंबर $1 दे देता है। $1 तो ये हो गए। अगर आप यहाँ पे 10 BUSD वाला पैकेज बाय कर लेते हो और आप अपने सिस्टम में 1 मेंबर ऐड कर देते हो, और मेंबर भी वही होना चाहिए जो आपका ये 10 BUSD वाला इन्वेस्ट करे। आपका जो मेंबर है वो ये ना हो कि मतलब आप वो लेवल 1 एक्टिव करें, ठीक है, लेवल 1 तो एक्टिव करना वो तो लाजमी है, लेकिन आपका वो दूसरा मेंबर भी जो है वो ये 10 BUSD वाला पैकेज ज़रूर एक्टिव करे, फिर उसके बाद आप लोगों को अर्निंग हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है जब आपका 1 मेंबर एक्टिव हो जाएगा तब आप लोगों की यहाँ पर डेली बेस $2 अर्निंग हो जाएगा। अगर हम इन 2 स्लॉट्स की बात कर ले तो इन 2 स्लॉट से आप लोगों की $3 डेली बेस पर अर्निंग हो जाता है। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ग्लोबल इनकम 5 BUSD है। जस्ट यहाँ पे आप विड्रावल पे क्लिक करोगे, विड्रावल रिक्वेस्ट के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तब आपके पास यहाँ पे ये देख लें 3.00 BUSD शो हो रहे हैं। और अभी मैं आप लोगों को ये विड्रा भी लेके दिखाऊंगा यहाँ से कि आप लोग किस तरह ये विड्रा ले सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख लें, यहाँ पे आप लोगों को अमाउंट लिखना है। अमाउंट लिखने के बाद आप लोगों को जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका विड्रा रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली। फिर अभी ये विड्रा रिक्वेस्ट कुछ ही मिनट में रिसीव हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट आप लोगों को फिर विड्रावल रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे विड्रावल समरी शो हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं अभी आप लोगों के सामने 3 BUSD विड्रा पे लगा चुका हूँ और अभी फिलहाल स्टेटस पेंडिंग में है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरी टोटल टीम जो है वो 3 डायरेक्ट मेरे मेंबर हैं और सिस्टम ने मुझे यहाँ से 185
टीम मेंबर्स दे चुके हैं। ये देख लें, ये मेरी जो है ना, ये मैं इस पर मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ हमने सिस्टम ने अपनी तरफ से मुझे $185 टीम दे चुका है, जिसकी वजह से मुझे टीम की तरफ से यहाँ पे इनकम की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे 22.25 BUSD जो है वो टीम की तरफ से मुझे मिल चुके हैं। जो मेरी टीम है, मेरे आगे जो थ्री मेंबर्स उन्होंने वर्क किया कि अपनी टीम बनाई, फिर उन्होंने आगे अपनी टीम बनाई, क्योंकि यहाँ पे लेवल कमीशन ही मिलता जाता है, लेवल कमीशन भी आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो मुझे ट्रस्ट वॉलेट पे मैसेज रिसीव हो चुका है, रिसीव्ड 3 BUSD। ठीक है ना, मैं अभी आपके सामने विड्रॉ लगा चुका था और यहाँ पे मुझे 3 BUSD भी रिसीव हो चुके हैं। बाकी यहाँ पे टीम बिल्ड इनकम में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों के इसमें किस किस तरह के इनकम आ सकते हैं जब आपकी कोई भी मेंबर जो है वो आगे रेफर करता है, क्योंकि रेफर कमीशन यहाँ पे थ्री लेवल तक आप लोगों को मिल जाता है। लेवल 1 का 50% आपको मिल जाता है, लेवल 2 का 25% और लेवल 3 का भी आप लोगों को 25% मिल जाता है। जब आपके टीम मेंबर्स वर्क करते हैं, आगे अपने साथ टीम ले आते हैं, तब आप लोगों की जो इनकम हो जाता है टीम की वजह से वो यहाँ पे शो हो जाता है। और अगर हम ग्लोबल इनकम की बात कर लें तो ये आप लोगों की नॉन वर्किंग इनकम हो जाता है, जो भी आप स्लॉट एक्टिव करते हो वहाँ से आप लोगों की जो डेली बेस पर अर्निंग हो जाता है वो आप लोगों को यहाँ पर शो हो जाएगा। और मैंने तो 2 स्लॉट एक्टिव किए हैं, स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे टोटल अर्निंग जो है वो 5 BUSD हो चुका है। और आज की अर्निंग मैं बता दूं आप लोगों को, आज की मुझे $3 अर्न हो चुके हैं और मैंने अभी आप लोगों के सामने विड्रॉ भी लेके दिखाया। और अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो टोटल विड्रॉवल मेरा 27.250 है। उसके बाद इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं आज ही जो है ये 25 BUSD वाला बोनस एक्टिव करूँ और अपने साथ आगे एक टीम मेंबर को भी कहूँ कि वो भी एक्टिव करे, ताकि हमारा ये लेवल जो है ये कंप्लीट होते जाएंगे। जब आप लोग खुद अंदाज़ा लगा रही ये सारे स्लॉट हम जब ओपन करेंगे तो फिर हमारी डेली बेस पर अर्निंग बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर तो मैं ऑलरेडी वर्क कर रहा हूँ और आप लोग के साथ भी मैंने डिटेल शेयर की है, इसके ऊपर ऑलरेडी 2-3 वीडियो मैं बना चुका हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर लें, वो वीडियोस अगर वॉच कर लें। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो, अगर आप भी इसमें वर्क करना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन मेरा व्हाट्सएप ग्रुप होगा और वहाँ पर जाकर व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिर इंशाल्लाह मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा और इस पर प्लेटफॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड होगा, वहाँ पर जाकर आप अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। और किस तरह अकाउंट क्रिएट करना है वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, आप वो सारी चीज़ें देख लें और व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे पर्सनली रब्ता भी कर सकते हैं। मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अपने भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।